नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, साल 2018 में कई बड़ी बड़ी फिल्में जैसे रेस 3 और थग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप रही, तो ऐसे में दोस्तों सिम्बा पर भी फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जो पहला रिव्यू सिम्बा का सामने आया है वो काफ़ी शानदार है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि फिल्म क्रिटिक और मूवी एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इसका फर्स्ट रिव्यू दे दिया है और फिल्म को आउटस्टैंडिंग बताया है। जी हाँ दोस्तों, और रोहित शेट्टी को एक बार फिर से एक शानदार फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, तरण आदर्श के अनुसार फिल्म ब्लॉकबस्टर है, उन्होंने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। तरण आदर्श ने अपना पहला रिव्यू ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ए सॉलिड वेल पैकेज्ड एंटरटेनर विद ए पावरफुल मैसेज। रोहित शेट्टी गेट्स इट राइट येट अगेन एंड सो डज रणवीर हु इज आउटस्टैंडिंग। Whistles, claps, laughter, assured. Expect a storm at box office. जी हाँ दोस्तों, तरण आदर्श का इतना शानदार रिव्यू फिल्म के लिए देखने को मिला, जो कि फिल्म के लिए बेहद ही अच्छी बात है। साथ ही साथ तरण आदर्श ने एक और ट्वीट में लिखा कि साल की शुरुआत पद्मावत के साथ करने वाले रणवीर सिंह ने एक शानदार दहाड़ के साथ 2018 का अंत भी किया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के अंदर आपको कई सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ पे फिल्म आपको धीमी दिखाई देगी, तो दोस्तों कभी अक्षय कुमार की एंट्री होगी, तो कभी अजय देवगन की, तो कभी गोलमाल टीम की एंट्री आपको फिल्म के अंदर हमेशा बनाई रखेगी। हर पल आपको एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का मिलता रहेगा और मूवी के अंत में आपको एक शानदार मैसेज भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म सिम्बा में वो सब कुछ है जो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं। फिल्म में एक्शन है, कॉमेडी है, मसाला है और साथ ही साथ फिल्म के अंत में आपको एक शानदार मैसेज भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, भले ही ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बनी टेम्पर की हिंदी रीमेक है, लेकिन दोस्तों रोहित शेट्टी ने अपने ही अंदाज में इस फिल्म को पेश किया है, फुल ऑन एक्शन और गाड़ियों के साथ, जो कि रोहित शेट्टी का अंदाज है। तो दोस्तों, फिल्म सिम्बा को देखना ना भूले, और अगर आपने फिल्म सिम्बा को देख लिया है तो आपका रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।